इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका चार्जर हमने प्लग इन किया है, बिस्मिल्लाह, ये चार्जर हमने प्लग इन किया है तो ये फ्रंट के ऊपर से इसकी किसी किस्म की कोई लाइट ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन हम पुश कर रहे हैं तो बिल्कुल डेड कंडीशन आ रही है अभी फ़िलहाल, चेक कर रहे हैं अब, बिल्कुल डेड कंडीशन है, किसी किस्म की कोई लाइट भी जो है ना ब्लिंक नहीं कर रही। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, इसका मॉडल नंबर है डेल इंस्पायरन 1531। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका चार्जर हमने प्लग इन किया है, बिस्मिल्लाह, ये चार्जर हमने प्लग इन किया है तो ये फ्रंट के ऊपर से इसकी किसी किस्म की कोई लाइट ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन हम पुश कर रहे हैं तो बिल्कुल डेड कंडीशन आ रही है अभी फ़िलहाल, चेक कर रहे हैं अब, बिल्कुल डेड कंडीशन है, किसी किस्म की लाइट भी जो है ना ब्लिंक नहीं कर रही। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए बिस्मिल्लाह इसको ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी बैटरी जो है ना ये उतार लेंगे, बिस्मिल्लाह। उसके बाद ये इसका कवर है ये उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह, कवर भी उतर गया इसका। तो ये इसकी रैम लगी हुई है, रैम की कंडीशन तो साफ है बिल्कुल। ये सीमोस इसका उतरा हुआ है, पहले ही सीमोस इसका बाहर निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो अभी इसको एक दफ़ा चार्जर लगा के चेक कर लेते हैं। सेम कंडीशन है, चार्जर प्लग इन किया है, सेम कंडीशन है। चलें अब इसको ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये डीवीडी भी बाहर आ गई है इसकी। अब इसके ये जितने भी स्क्रीन हैं सारे स्क्रीन ओपन कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। ये कीबोर्ड अब जो है ना इसका ओपन कर लेंगे। देखिए कीबोर्ड ओपन हो गया, बिस्मिल्लाह। ये सी पैनल इसका ओपन कर लेंगे अब। नहीं जी, ये ब्लास्ट हुआ है, ये चेक कर रहे हैं, एसी इसका ब्लास्ट हुआ है। तो इसका कंट्रोलर भी चेक कर लेंगे, बोर्ड को बाहर निकाल के इसका कंट्रोलर भी ब्लास्ट हुआ होगा। बिस्मिल्लाह, ये कंट्रोलर है इसका, तो चले ये 3-5 वोल्ट की सप्लाई का आईसी है, चेक कर लेंगे इसको। जी बिस्मिल्लाह, ये आईसी है 3 और 5 वोल्ट का, इसका नंबर है कोडिंग में 51125 नंबर लगा हुआ है। एक तो ये आईसी चेंज होगा जो ब्लास्ट हुआ है, दूसरे नंबर के ऊपर इसका ये कंट्रोलर है मेन,
ये ई एन ई का, इसका नंबर है KB9012QF A3। ये भी ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, ये चेक कर रहे हैं इस, ये भी ब्लास्ट हुआ है इधर से, तो ये भी चेंज होगा। कंट्रोलर भी चेंज करेंगे और ये 3-5 वोल्ट का IC भी चेंज करेंगे, तो ये चेंज करते हैं दोनों चीज़ें इसकी। बिस्मिल्लाह ले जी, ये 3-5 वोल्ट का जो IC है, क्विंजा 125, ये इसको प्रिंट भी एक ब्रेक हुआ हुआ था, ये भी डाल लिया है, ये चेंज किया है। दूसरे नंबर के ऊपर ये ENE का IC है, ठीक है, KB9012QF, ये भी चेंज किया है इसका, ठीक है। ये पुराने वाली IC जो ब्लास्ट हुए हैं वो निकाल ली हमने, तो अब इसको ज़रा पावर केबल लगा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, अच्छी अडाप्टर हमने प्लगिंग किया है इसका। तो चेक करें ये लाइट इसकी ऑन हुई है, ठीक है, मदरबोर्ड की। अब इसको ज़रा आप लगा के LCD के साथ इसका डिस्प्ले वगैरह चेक कर लेंगे, आ रहा है या नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाह ले जी, ये लगाया तो ये डिस्प्ले इसका आ गया है, ठीक है। तो अब इसको जो है ना पैक करके एक दफ़ा सही कर लेंगे, इसकी टोटल प्रॉपर ऑन ऑफ हो रहा है ये, ठीक है। देखिए अब इसको पैक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह ले जी, ये कंप्लीट पैक कर दी है, ठीक है। तो ये इसको टर्निंग ऑन कर रहे हैं, ये लाइट्स इसके ऑन हुई है, ये डिस्प्ले इसका आ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल ओके है, आज के लिए इतना ही है, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।